हेलो लर्नर्स, क्विक रिकॉलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक्स बाय माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, अभी तक हमने 6 सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं माइंड मैप की। ठीक है, ये जो है ये है सातवां सीरीज। सातवें सीरीज में हम जानेंगे डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि क्या डिफरेंट होता है, डीएनए, जीन और क्रोमोसोम कैसे डिफर होते हैं, तीनों टर्म्स कैसे डिफर होते हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, हमने अभी तक बात की है, जो भी बात की है वो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, या ये बात की है कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कैसे है। अब जैसे जैसे हम थोड़े अपर लेवल पे मूव करते जाएंगे तो हमें जीन और क्रोमोसोम्स के बारे में भी बात करनी होगी। तो जो पहली चीज है जो हमें समझनी होगी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वो है अब देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो जनरली जब भी हम डीएनए, जीन और क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, तो सबसे पहला जो है वो अगर हम डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए क्या होता है। डीएनए जो होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं, लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक कोड कैरी करते हैं, जेनेटिक कोड कैरी करते हैं, जेनेटिक कोड कैरी करते हैं, जिससे क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसका वो लिविंग फंक्शन जो भी है वो सब कुछ डिसाइड होता है इस डीएनए के जेनेटिक कोड से। ठीक है, अगर बात करें आइडेंटिकल ट्विन्स की तो आइडेंटिकल ट्विन्स में लगभग डीएनए जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। उसके अलावा अगर हम किसी भी पर्सन की डीएनए को चेक करें, किसी भी पर्सन की डीएनए की बात करें, तो उनमें क्या होता है, हर इंडिविजुअल पर्सन का डीएनए जो होता है दूसरे इंडिविजुअल पर्सन से डिफर करता है। और इसी बेसिस पे क्या होता है, इसी बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कर सकते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे हम एक इंसान, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम जीन की बात करते हैं तो जीन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए में कोड्स होते हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं। ठीक है, ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो ए जी न्यूक्लियस, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब ये जो जीन जो होता है, जीन वो डीएनए का एक कोई पर्टिकुलर सेगमेंट होता है। ठीक है, सपोज करो कि अगर ये जीन है, ये डीएनए है, तो ये कोई पोर्शन है जो जिसको हम नाम दे सकते हैं जीन वन। ठीक है, अब सपोज करो ये है वो, इसको हम नाम दे सकते हैं जीन टू। ठीक है, इस जी इस सपोज अगर ये डीएनए फ्रेगमेंट है तो इसके इस पोर्शन को हम नाम दे सकते हैं जीन वन, और एक और पोर्शन इसी में से लेंगे और उसको नाम दे सकते हैं जीन टू। तो जीन क्या होता है, बहुत पॉसिबल होता है कि ये जीन जो होता है ये किसी दूसरे प्रोटीन, सपोज करो अगर ये जीन इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये इंसुलिन को गवर्न करेगी, किसको करेगी, इंसुलिन के को गवर्न करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर ये जीन ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के लिए है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के लिए है, तो ये क्या करेगी, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करेगी। तो डीएनए, जीन क्या होती है, जीन जो होता है डीएनए का ही एक छोटा छोटा सेगमेंट होता है, डीएनए के ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कोड्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स के फॉर्म में होते हैं, जो क्या कहते हैं कि जब ट्रांसक्राइब होते हैं, वो पार्ट जब ट्रांसक्राइब होता है तो किसी एक पर्टिकुलर एमआरएनए को एक्सप्रेस करता है, फिर वो एमआरएनए उस प्रोटीन को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो जब भी कोई डीएनए का कोई सेगमेंट जो एक्सप्रेस होके किसी प्रोटीन को किसी फंक्शनल प्रोटीन को जनरेट करता है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, जीन, क्या नाम देते हैं, जीन। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, जब ये डीएनए के जो लॉन्ग थ्रेड्स हैं, हम सब जानते हैं कि डीएनए जो है बहुत लॉन्ग थ्रेड्स के हैं, जब इसको हम इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंडेंस करते हैं, कंडेंस करते हैं और इसको क्या कोलॉइड करते हैं। ठीक है, छोटे फॉर्म में एग्रीगेट कर हो जाता है। ठीक है, तो जब ये छोटे फॉर्म में एग्रीगेट हो जाता है बहुत ज्यादा कंडेंस होके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये सारा जो डीएनए है वो किसी न्यूक्लियोसोम मॉलिक्यूल के ऊपर, न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन हमने सुना है ना, न्यूक्लियोसोम, तो उसके ऊपर जो है ऐसे थ्रेड लाइक पूरा रैप हो जाता है डीएनए फाइबर, और फिर क्या होता है कि इसको हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने वो सिलाई वाला सुई धागा देखा होगा ना, तो उसमें क्या है, उसमें जो बीच में हॉलो ट्यूब होता है, ठीक है,
हॉलो ट्यूब होता है उसको अगर हम न्यूक्लियोसोम या फिर हिस्टोन कंसीडर कर लें, न्यूक्लियोसोम कंसीडर कर लें, तो उसके अराउंड जो थ्रेड होता है अगर हम उसको डीएनए कंसीडर कर लें और उसको लपेटते जाएं, तो एंड में जो मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा क्रोमोसोम। तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि डीएनए क्या है। वो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे जेनेटिक कोड होते हैं। ठीक है, डीएनए से ही हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो डिफाइन होता है। हमारा जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल से ही डिफाइन होता है। अब उसमें जीन क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, डीएनए के ही छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो एक्सप्रेस करके किसी प्रोटीन को जनरेट करते हैं। ठीक है, जब किसी प्रोटीन को जनरेट करते हैं तो उनको जीन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसी डीएनए को जब रिकॉइल कर देते हैं, सुपर कॉइल कर देते हैं किसी न्यूक्लियोसोम के अराउंड, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है क्रोमोसोम। तो ये डिफरेंस रहा जीन डीएनए और क्रोमोसोम के बीच में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे की बात करेंगे हम अगले माइंड मैप सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।